मुंबई एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू ऑल द लव व्यूअर्स आउट ओवर देयर एंड ऑल दोस हु आर ऑन फॉलोइंग अस ऑन फेसबुक ऑन यूट्यूब एंड ऑन ट्विटर। आई एम हियर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पालघर दैट इज आउटसाइड बॉम्बे एंड हियर विद द लायंस क्लब डोनेशन कैंप ओवर हियर। I am Lion Dr. Mudassar. I am the first vice district of district 323183 and on behalf of district 323183 we have organized a tree plantation drive, but it is a tree plantation drive with a difference. Hamare governor ne ye socha ki hum sirf paryavaran ki taraf se sirf vriksharopan nahi karenge, lekin is vishay ko vriksharopan ki taraf se hum apne jo kisan bhai hain unko atmanirbhar karenge. To humne har ek kisan ko अगला अलग टाइप के पौधे देने के लिए फैसला किया है, जिसमें गुआवा, जैक फ्रूट और एक है उसमें तीनों के ये पौधे हम किसानों को देंगे, ये उनके खेतों में रहेंगे। तो सिर्फ वृक्षारोपण के साथ वो वृक्ष खाली हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और चले जाते हैं, तो इस समय में अभी ये वृक्षारोपण के साथ किसान की जवाबदारियों को देखभाल करेंगे और उनसे जो ये फल जो रहेगा इससे वो आत्मनिर्भर होने की रहेंगे। काजू, जैक फ्रूट और गुआवा के प्लांट्स रहेंगे। हर एक किसान को हम 15-15 सैपलिंग्स दे रहे हैं। हमारे जो लायंस अभी लगभग 100 के संख्या में मुंबई से जवार अभी आए हैं, यहाँ से हम मोखाड़े के गांवों में जाएंगे, अलग अलग किसानों के खेतों में जाएंगे, अलग अलग ग्रुप में वहाँ पे ये वृक्षारोपण होगा। और पूरे विश्वास है, ये हमारा गवर्नर शशिकांत भाई का सपना है कि 3 साल के बाद हर एक किसान को जो हम ये दे सकेंगे वो लोग हर एक 3 साल के बाद 1 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो हम उसमें हाथ जोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मोखाड़ा के किसान हैं जो काफ़ी डेवलप बस्ती से दूर रहते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं है, उनको हम आत्मनिर्भर करें। इससे और एक फ़ायदा है कि हमारे जो लायंस क्लब है ये पूरे गाँव को अडॉप्ट कर लेंगे, तो वृक्षारोपण के साथ आगे चल के गाँव में भी अलग अलग विकास की योजनाएँ करेंगे और इससे आगे डेफिनेटली जो किसान जो अभी साल में एक ही बार फसल करता है उनको जब मौका मिलेगा तो साल में 3 फसलें करेंगे और वो फिर उसके वजह से जो सिटी की तरफ माइग्रेशन रहेगा तो वो भी कम होगा। तो एक ही प्रोजेक्ट के साथ हम वृक्षारोपण साथ में किसान को डेवलपमेंट और विलेज डेवलपमेंट तीनों एक साथ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप दैट यू मस्ट हैव कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट द लायंस क्लब in this donation camp is going to project on, and we wish you all the very best in your project. Thank you very much. This is Mumbai Express coming to you live. Glenn Gonsalves reporting for you live from Palghat district outside Bombay. Kya plan kar raha hai? Peru mein je hum guava 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 abhi kuch dal de aise dal de धरती माता की जय। So as you see viewers, you can see over here, right over here, the plantation being done by the Lions Club of Seoul, Mumbai, and these are all the members over here standing right in front of you. Today I am feeling very happy to attend this tree plantation which has been organized by District 323183 Mumbai, and thanks to all our Lions from Mumbai Seoul who have given their contribution for make this event a grand success. So thanks to each and every contributor and thank all the participants who have attended here today. I'm feeling very happy. Thank you so much. It is my pleasure. Yes, we have 3 district micro people today there with us. Yeah, it's a very good project. Ye logon ko atmanirbhar bhi banayega kyunki isme jo aamdani aayegi unse unka इनकम भी बढ़ेगा, उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और इकोलॉजिकली भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सो दैट इज़ व्हाई द लायंस एंड आवर क्लब हैज डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड मैं बोलना चाहूँगी, वृक्षारोपण से छू लो आसमान, किसानों के जीवन में भर दो मुस्कान। दिस इज ग्लेन गोंसाल्वेस रिपोर्टिंग फॉर मुंबई एक्सप्रेस अलॉन्ग विद आवर लवली मेंबर्स ऑफ द लायंस क्लब सोल। थैंक यू वेरी मच। Thank you.